வந்திதா ये ले वो हमारी तरफ से ये मैं नहीं मोड़ना कुर्स अग माना की साड़ी है ही ये तेरे ससुर का आशीर्वाद आदेश कुछ भी समझ ले तू अगर अपने हाथ से अर्चना को ये साड़ी भेज देगी तो गिरी जी क्या सोचेंगे मुझे तुझसे कुछ बात करनी है जरा मेरे साथ बाहर चल चल दो मिनट के लिए आना आज हमारे घर में शुभ कार्य है मेरे दूसरे बेटे का संसार बसने जा रहा है तो तू आई क्यों सर तुझे लाजी नहीं इज्जत नहीं है तुझे क्या शर्म होगी बोलना बाबा बाबा जल्दी चलिए वहाँ ही पता नहीं वहीनी को कितना कुछ उल्टे से सुनाई जा रही है ये साड़ी मैंने अपनी बहू को दी है इसे कोई नहीं छीन सकता तू भी नहीं अरे ये दिखाती भोली भाली लेकिन अपने यार को लेके गुलछरे उड़ाती है एक नंबर की नालायक चरित्रहीन अपने अर्चना के लिए आई पर हाथ उठाए ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा बाबा बस बाबा बस अर्चना यहां से चली जा चल अब यहां से इससे पहले कि वहां बात और बढ़ जाती मैं अर्चू को वहां से लेकर निकल गई मैं जानती थी अच्छी तरह से जानती थी इसीलिए बार बार वहां जाने के लिए मना कर रही थी जो हुआ वो बहुत हुआ इसके आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज से मेरा मतलब है अभी से हमारा उस परिवार के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कितने पैसे बाकी हैं 20,000 अपने पैसे तो मैं निकलवाएगा उस साले अजीत के हलक में हाथ डालते अरे जान पर खेलकर काम किया अपन उसके लिए बहन की ननद है अर्चना उसको भरलाया अपन जब बात साला उसके हलक तक आ गई ना उसके हलक तक आ गई ना तब मैंने उसके पति को भी फंसाया मानो ए मानो मानो कहाँ है तू ए मानो 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 यहाँ 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 अब क्या हुआ यहाँ अरे बेटे नहीं सुन नहीं 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 अरे मेरी बात सुन तू बोल रहे बाबा मुझे टाइम नहीं है बैठने के लिए मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है अर्चना के बारे में दारू के अड्डे पे मुझे वो दलाल मिला था देख बेटा जब ये रिश्ता टूटने की मोड़ पर है तब पापा ने हमारे सामने और एक रास्ता खोला है इस रिश्ते को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है ये हमें करना ही होगा बेटा रिश्ता